दोस्तों, आपने लाइटरूम के काफी सारे टील एंड ऑरेंज प्रीसेट्स देखे होंगे और उनमें से फोटो एडिटिंग भी किया होगा। लेकिन आपको पता है गाइस, टील एंड ऑरेंज का लुक आप अपने वीडियोस में भी लगा सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने अपने वीडियो में टील एंड ऑरेंज का लुक दिया है। ये काफी सिनेमैटिक और कूल दिखता है। दोस्तों, इसे मैंने अपने मोबाइल फोन में शूट और काइनमास्टर में एडिट किया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि टील एंड ऑरेंज आप अपने मोबाइल फोन में कैसे शूट और एडिट कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको टील एंड ऑरेंज के कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। Hey guys, my name is Zay. Welcome back to JP Studio. दोस्तों, टील एंड ऑरेंज एडिटिंग बताने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे मोबाइल के क्रिएटिव आइडियाज बता देता हूँ कलर ग्रेडिंग के, जिन्हें पूरा देखने के बाद आपको कलर ग्रेडिंग में फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। और अगर प्रॉब्लम्स आए ना, तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। मजाक में बोल रहा था। दोस्तों, कोई भी टील एंड ऑरेंज फुटेज को जब आप देखते हो तो ये बहुत आई कैची एंड अट्रैक्टिव लगता है, और आपने इसे ट्रांसफॉर्मर्स, जोकर जैसे मूवीज में देखा होगा। और गाइस, ये म्यूजिक वीडियोस में भी यूज होता है और वेब सीरीज में भी यूज होता है। ये बहुत ही ज्यादा सिनेमैटिक एंड आई कैची लगता है, इसलिए ज्यादातर फिल्म मेकर्स इस कलर कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इनके कलर कॉम्बिनेशन का राज जान लेते हो तो आप भी इनके जैसा प्रोफेशनली कलर ग्रेड कर पाओगे। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, आपको तरह तरह के कलर कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे होगे। ये अलग अलग कलर इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता सकूँ कि आप भी अपने मोबाइल फोन में और काइनमास्टर में ऐसे अलग अलग कलर ग्रेड कर पाओ। सो, कलर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे तो नॉर्मली जो इंसान की स्किन टोन होती है वो ऑरेंज से लेके ब्राउन तक होती है। तो हम कलर व्हील पे जाके देखे तो यहाँ पे आपको इस एरिया में ऑरेंज से लेके ब्राउन तक का कलर मिल जाएगा, और इसके ही अपोजिट आपको टील कलर मिल जाएगा, यानी कि ब्लू कलर। तो ये जो एक लॉजिक है, फिल्म मेकर ज्यादातर इस पे गौर करते हैं। यहाँ पे दोस्तों, टील एंड ऑरेंज दोनों ही अपोजिट साइड है। ऐसे ही दोस्तों, मैं आपको अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊं तो स्क्रीन पे आपको जो कलर कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे, ये आप अपनी वीडियो में अप्लाई कर सकते हो। गाइस, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी गैलरी में सेव कर लो, क्योंकि दोस्तों ये आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है जब भी आप कलर ग्रेडिंग करोगे तब। तो गाइस, अभी तक आपने जितने भी कलर कॉम्बिनेशन वाले वीडियो फुटेज देखे और अभी भी आप देख रहे हो, वो सभी मैंने अपने मोबाइल फोन में काइनमास्टर में एडिट किए। तो मुझे पता है यार, आप कब से वेट कर रहे हो काइनमास्टर में एडिटिंग के पार्ट का। दोस्तों, ये एडिटिंग पार्ट बहुत ही सिंपल है, मैं आपको काइनमास्टर में एडिट करके बता दूंगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को प्लीज यार एक लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों कलर कॉम्बिनेशन की इंफॉर्मेशन एंड इस ट्रिक को ढूंढने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा था। हो सके तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो लोग वीडियोग्राफी एंड एडिटिंग करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि कलर कॉम्बिनेशन का वीडियो फुटेज आप काइनमास्टर में कैसे एडिट कर सकते हैं। दोस्तों, टील एंड ऑरेंज एडिटिंग के लिए सिंपली हमें काइनमास्टर के टाइमलाइन पे एक बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेना है, फिर लेयर पे हमें एक वीडियो को ले आना है। यहाँ पे दोस्तों, वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लेना है, फिर उसकी क्रोमा की ऑन कर लेनी है। क्रोमा की ऑन करने के बाद हमें बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेना है। यहाँ पे मैं टील एंड ऑरेंज लुक देने वाला हूँ, तो बैकग्राउंड को मैं ऑरेंज कर दूंगा। यहाँ पे मेरे वीडियो फुटेज पे बहुत ही ज्यादा ऑरेंज ऑरेंज लग रहा है, तो लेयर वाले वीडियो पे क्लिक करूंगा और क्रोमा की में जाऊंगा और इस स्लाइडर को अच्छे से एडजस्ट कर लूंगा, और हो सके तो कर्व टूल का भी यूज कर लूंगा, जिससे दोस्तों बहुत ही अच्छे से एनहेंस कर पाए क्रोमा की। अब गाइस, हमारे वीडियो फुटेज पे ऑरेंज टोन आ गई है, अब सिर्फ हमें टील कलर की जरूरत है। सिंपली हमें इस वीडियो को शेयर कर लेना है और इसे हाई बिटरेट पे सेव कर लेना है। वापस से उसी प्रोजेक्ट में चले आना है और जो लेयर वाले वीडियो है उसको डिलीट कर लेना है, और अभी जो हमने वीडियो को एक्सपोर्ट किया उस वीडियो को लेयर पे ले आना है, फिर उसे फुल स्क्रीन में कर लेना है और जो बैकग्राउंड कलर है उसे चेंज करके टील में कर लेना है। यहाँ पे मैं ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर गाइस लेयर वाले वीडियो पे क्लिक करना है और उसकी भी क्रोमा की ऑन कर लेनी है। क्रोमा की का कलर हमें ब्लू रखना है, जिससे ये स्काई एनहेंस करेगा और स्काई का कलर निकाल लेगा।
फिर आपका जो बैकग्राउंड में जो टील कलर है वो आ जाएगा आपके वीडियो फुटेज के ऊपर। तो दोस्तों इसको भी सेम इसी की तरह मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। दोनों के कलर कॉम्बिनेशन को हमें एडजस्ट कर लेना है, फिर आपका वीडियो फुटेज तैयार हो जाएगा टील एंड ऑरेंज लुक में। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इस वीडियो फुटेज का रिजल्ट बता देता हूँ। तो बस यार थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और गाइस स्क्रीन पे दिखाई दे रहे प्रोफाइल पे क्लिक करके आप हमारी चैनल विजिट कर सकते हो। और हमारी चैनल पे आपको वीडियोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स और एडिटिंग ट्यूटोरियल काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ जो वीडियोग्राफी और एडिटिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।